हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने जो नया कोर्स शुरू किया है वो है बेसिकली जीएस का कोर्स, जिसमें सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी आपकी हिस्ट्री से। एक लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर पर आइए तो आपकी जो सीक्वेंस है वो बना रहेगा, ठीक है। नहीं तो ये लेक्चर आपको फिर समझ में नहीं आएगा, बट मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर दूंगी जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है, ठीक है जी। और मैं हूँ आपकी एजुकेटर हरमन खुराना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में आपके एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया जाएगा, ठीक है जी। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने पहला जो वन लाइनर किया था वो था विच वॉज द फर्स्ट मेटल एट द एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड, तो वो क्या था जी, कॉपर, ठीक है। इसमें मैंने फिर आपको सारे पीरियड बताए थे, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक और चार्कोलिथिक। इसको जानने के लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी जी। उसके बाद बात हुई थी हरप्पन साइट की और इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है जी। जो लार्जेस्ट हरप्पन साइट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जो लार्जेस्ट हरप्पन साइट है वो है जी आपकी राखीगढ़ी हिस्ट्री हिसार डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ है जी, हरियाणा के अंदर, ठीक है जी। जो अगर आप बुक्स से जाएं जैसे कि ल्यूसेंट वगैरह है तो उसमें ये गलत दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ ही जाना है कि जो लार्जेस्ट हरप्पन साइट थी वो क्या थी जी, राखीगढ़ी, ठीक है जी। लोथाल जो थी साइट, ठीक है, वो मेजर हरप्पन साइट थी, वो कहाँ पे सिचुएटेड थी, गुजरात में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, ठीक है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। और जो लोथाल था बेसिकली वो एक एंशियंट पोर्ट भी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशियंट पोर्ट भी लोथाल को माना जाता था। और रिमेन्स ऑफ हॉर्स जो था वो कहाँ पे फाउंड किए गए थे, वो सुर कोटड़ा में फाउंड किए गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉग विद मैन इन ग्रेव कहाँ पे, डॉग और मैन को एक ही ग्रेव में फाइंड किया गया था, वो था जी आपका रोपड़, जिसको आप रूपनगर भी बोलते हैं, ठीक है जी। जो स्टैंडर्ड हरप्पन सील थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी, वो बनी हुई थी किस चीज़ की, स्टेयर टाइट की। तो ये हरप्पन सील कहाँ पर यूज़ कर की जाती थी और ये स्क्वायर शेप में थी, ठीक है जी। ये हरप्पन सील वहाँ पे यूज़ की जाती थी जहाँ पे आपने बेसिकली कोई या फिर ओन करनी है आपने प्रॉपर्टी, तो आपको एक मार्क का यूज़ करना है, तो वहाँ पे आपकी हरप्पन सील यूज़ की जाती थी जो स्टीयटाइट मटेरियल की बनी होती थी, ठीक है जी। तो पिछले लेक्चर में हमने इतना किया था, अब हम आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट बाथ एंड द लार्ज ग्रेनरी वॉज फाउंड एट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। जो ग्रेट बाथ है और लार्ज ग्रेनरी है वो कहाँ पे फाइंड किए जाते थे, वो थे जी आपके मोहिंजोदारो में, कहाँ थे, मोहिंजोदारो। और मोहिंजोदारो को क्या बोला जाता है, माउंड ऑफ डेड, क्या बोला जाता है, माउंड ऑफ डेड, ठीक है जी। और जो ये ग्रेट बाथ थे उसकी जो मेजर था उसका था जी 12 मीटर बाय 7 मीटर, और ये कितना डीप था, 2.4 मीटर डीप था, ठीक है जी। ये बात मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसका इतना वेटेज नहीं है। और जो बिगेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था पूरे के पूरे मोहिंजोदारो में, वो क्या था जी, उसकी ग्रेनरी, क्या था जी, उसकी ग्रेनरी, जो कि 45 मीटर बाय 15 मीटर की थी उसकी ग्रेनरी। तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर था जो कि मोहिंजोदारो में पाया गया था, ठीक है जी। और दूसरा क्या स्ट्रक्चर था जी, मोहिंजोदारोस ग्रेट बाथ, ठीक है जी। तो ये था, और नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। तो डबल बरियल ग्रेव वॉज फाउंड एट, जो कि दो डबल बरियल ग्रेव था, ठीक है जी, वो कहाँ पे फाउंड किया गया था, वो फाउंड किया गया था लोथाल और कालीबंगन में, कहाँ पे फाइंड किया गया था, लोथाल और
काली बंगन जो इनके मेन क्रॉप्स थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मेन क्रॉप्स थे वो थे जी आपके वीट एंड बार्ले। ठीक है जी, मेनली यही क्रॉप्स थे। दूसरे क्रॉप्स की भी जो थोड़ी बहुत हमें इंफॉर्मेशन है, जैसे कि राइस की इंफॉर्मेशन है कि राइस की कल्टीवेशन हमें लोथाल में मिली थी। ठीक है जी, तो लोथाल में हमें राइस की कल्टीवेशन मिली थी, बट बेसिकली बोला जाता है कि जो बार्ले एंड वीट था वो इनका मेन प्रोडक्शन थी। बट एक और बात जो फेमस है इंडस पीपल के बारे में वो ये है कि इंडस वाले जो लोग थे तो वो पहले ऐसे थे लोग जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। ठीक है जी, इंडस पीपल वर द फर्स्ट पीपल टू प्रोड्यूस व्हाट, कॉटन, राइट, दे प्रोड्यूस कॉटन। तो ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडस लोग पहले सबसे पहले थे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओनली हरप्पन सिटी विदाउट सिटैडल, कौन सी हरप्पन सिटी थी जो विदाउट सिटैडल थी? तो सिर्फ एक ही थी, वो थी आपकी चौहनदारो। कौन सी थी जी आपकी? चौहनदारो। ठीक है जी, एक ऐसी ही सिटी थी जिसमें सिटाडल नहीं था। तो ये सिटाडल होता क्या था? सिटाडल एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता था जो कि 30 से 50 फीट हाई होता था और उसका एरिया भी अप्रोक्सीमेट 200 to 400 यार्ड्स होता था। ठीक है जी, उसके आसपास पूरी एक थिक वॉल सी होती थी जो कि माडिया ब्रिक की बनी होती थी। ठीक है जी, तो जो सिटाडल था उसमें क्या था कि पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, ग्रेनरीज होती थी, वर्कशॉप होती थी, रिलीजियस बिल्डिंग्स होती थी, मतलब कि जो एक तरह का अपने आप में खुद में एक सिटी होता था उसमें सारा कुछ प्रेजेंट होता था, बिल्डिंग्स, ग्रेनरीज, इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स, ये सब उसमें होता था। बट वो हमें सब जगह मिला, बट चौहनदारों में हमें वो सिटैडल नहीं मिला। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है जी, हमें हर जगह से, हर साइट से कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमारी हुई हैं। ठीक है जी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो हरप्पा से क्या क्या मिला, हमें 6 ग्रेनरीज इन अ रो मिली। ठीक है जी, हमें सीमेंट्री मिली, हमें वर्जिन गॉडेस की सील मिली। ठीक है जी, हमें स्टोन सिंबल्स मिले, हमें पेंटेड पॉटरी मिली। ठीक है जी, ये सब हमें हरप्पा से मिला। मोहिंजोदारो से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें मिला ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है जी, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर मिले हमें। ठीक है जी, पेंटेड सील्स मिली हमें। ठीक है, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस मिले हमें। ठीक है, और चाहुनदारों में की बात करें तो ये एक ही सिटी थी जो विदाउट सिटाडल थी। ठीक है जी, और लोथाल की बात करें तो हमें लोथाल से क्या मिला? डॉकयार्ड। और हमें लोथाल से ये भी सबूत मिले कि यहाँ पे कल्टीवेशन होती थी राइस की। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या था? डबल बरियल था। ठीक है, यानी कि एक मेल और फीमेल को एक सिंगल ग्रेव में बरी किया जाता था। वो कहाँ पे था जी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक मेल और फीमेल को इकट्ठे बरी किया जाता था, वो कहाँ पे आपको था जी? आपका लोथाल में। कहाँ पे? लोथाल में। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं जी आपकी कालीबंगा की। कालीबंगा में हमें क्या मिला था कि हमें व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट मिले थे, मतलब कि ये लोग जो टॉय कार्ट को यूज़ किया करते थे। ठीक है जी, और हमें प्लोर फील्ड सरफेस भी मिला था, मतलब कि यहाँ पे जो फील्ड्स थे वो काफ़ी, मतलब ये लोग पैदा करते थे, मतलब जो प्लो करते थे फील्ड्स, या फिर जो भी हम ये कह सकते हैं कि वीट या राइस जो भी ये पैदा करते थे वो वुडन प्लोस से पैदा करते थे। जो वुडन प्लोस हमें यहाँ पे मिले हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपकी काली बंगन की बात। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बनवाली की। बनवाली ऐसा था जहाँ पे कि ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग नहीं थी। बनवाली ऐसा एरिया था
कि जहाँ पे ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग नहीं थी। नहीं तो अगर बात की जाए बाकी इनकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग की, तो उनकी टाउन प्लानिंग जो थी वो काफ़ी इलेबोरेटेड थी। वहाँ पे ग्रिड सिस्टम था, मतलब कि ग्रिड सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे जो टाउन्स थे, जो रोड्स थी वो वेल कट थी, ठीक है। तो वो एक टाउन को डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी, ठीक है। लैम्प पोस्ट थे वहाँ पे, स्ट्रीट लाइटनिंग थी, ठीक है। तो ये सब जो वेल प्लान्ड सिटी के जो चीज़ें होती हैं वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मौजूद थी, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें कहाँ नहीं थी, सिस्टमेटिक जो पैटर्न होता है टाउन प्लानिंग का, कहाँ नहीं थी वो जी बन वाली में, ठीक है जी। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं जी जो साइट है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा भी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसमें हमें क्या दिखा था, जब हमने आर्कोलॉजिकली इसको फाइंड आउट किया तो हमें यहाँ पे एक यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम दिखा था। क्या दिखा था, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, ठीक है जी। इनका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पूरे ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन का था गुड ड्रेनेज सिस्टम। बट जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बनवाली में नहीं मौजूद था, मतलब कि गुड ड्रेनेज सिस्टम नहीं मौजूद था बनवाली में, और वहाँ पे क्या नहीं था, टाउन प्लानिंग भी अच्छी नहीं थी, ठीक है जी। और धोलावीरा में हमको वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला था, ठीक है जी। और सुरकोटड़ा में क्या मिला था हमें, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, बोन्स ऑफ हॉर्स मिले थे, ठीक है जी। और दैमाबाद में हमें क्या मिला था, दैमाबाद में हमें मिला था ब्रॉन्ज इमेजेस, ठीक है जी। किस किस की ब्रॉन्ज इमेजेस हमें मिली थी, चैरियट की, ऑक्स की, एलिफेंट की, राइनोस की, ठीक है जी। तो ब्रॉन्ज इमेजेस हमें मिली थी दैमाबाद में। तो ये कुछ थे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेट बाथ हमें कहाँ से मिला था, ठीक है, सिटी कौन सी थी जो विदाउट सिटाडेल थी, ठीक है, जैसे कि डॉकयार्ड है। और राइस की कल्टीवेशन के बारे में हमें कहाँ से पता चला था, वो हमें पता चला था जी आपके लोथाल से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया कि इंडस के जो लोग थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और मैंने ये भी बताया था कि ये लोग कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे जी, बार्टर सिस्टम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और कोई मनी की एक्सचेंज नहीं होती थी, ठीक है जी। जो डॉकयार्ड था मैंने आपको बता दिया कि लोथाल में पाया गया था। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो सारी चीज़ें जो भी मिली हैं वो दर्शाती थी कि इनमें दो तरह की पॉटरी होती थी। कौन सी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ठीक है जी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी ये किया करते थे, और ये गैम्बलिंग भी किया करते थे। और हमें एक और चीज़ मिली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है क्या, वो है एक ब्रॉन्ज इमेज ऑफ फेमस डांसिंग गर्ल। क्या मिली थी, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ फेमस डांसिंग गर्ल, जिसको क्या बोला जाता था, देवदासी। क्या बोला जाता था, देवदासी, जो कि हमें कहाँ से मिली थी, मोहिंजोदारो से, ठीक है जी। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमें कहाँ से मिली थी देवदासी, जो कि एक फेमस डांसिंग गर्ल थी, उसकी इमेज हमें मिली थी मोहिंजोदारो से, ठीक है जी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है जी। और जो इनका वर्शिप था, ठीक है, ये मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे, ठीक है जी। और इनके जो, मतलब कि हमें डिफरेंट डिफरेंट इनके गॉड्स मिलते रहे हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स से, ठीक है जी। और ये जो जैसे यूनिकॉर्न है उसको भी वर्शिप करते थे। तो हमें कुछ ऐसा मतलब ये
इसमें था कि हमें कोई ऐसे टेंपल्स नहीं मिले हैं जिसमें हम कह सकें कि ये लोग बिलीव करते थे आइडियल वर्शिप में, ठीक है जी। तो हमें इनके गॉड्स की तस्वीरें मिले हैं, उनके मतलब जैसे डांसिंग गर्ल का हमें स्टैचू मिला है, बट कोई टेंपल का ऐसे इसमें आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स में जिक्र नहीं किया गया है। तो हम ये बिलीव करते हैं कि ये आइडल वर्शिप में नहीं बिलीव करते थे, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये थे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम इनकी स्क्रिप्ट की बात करें, ठीक है जी, तो इनकी कोई अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं थी, ठीक है जी। जैसे कि हम ए बी सी डी लिखते हैं, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल है, इनकी कोई अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं थी। हमें कुछ ए बी सी डी टाइप कुछ नहीं मिला है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में, ठीक है। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, वो पिक्टोरल स्क्रिप्ट थी, ठीक है जी। बाय दी मतलब कि ऐसा कुछ पिक्चर्स के हिसाब से ये लोग अपनी जो थॉट्स थे उसको रिप्रेजेंट करते थे। क्यों, क्या थी इनकी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है जी। बट जो इनके हमें अगर लेटर्स जो भी मिले हैं तो वो उनका क्या है कि वो लिखे गए हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है जी, राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। जो हमें इनके स्क्रिप्ट मिली है वो मिली है कि राइट टू लेफ्ट पहली लाइन में लिखे गए हैं, और उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो लिखी गई है लेफ्ट टू राइट में, ठीक है जी। जैसे कि हम जब इंग्लिश लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो लोग उर्दू लिखते हैं वो राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो इनमें क्या था कि पहले तो लिखा हुआ है जी राइट टू लेफ्ट, जैसे कि उर्दू लिखते हैं, और दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड लाइन। तो इस जो प्रोसेस है या इस जो स्टाइल है इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था बोस्ट्रोफिडन। क्या बोला जाता था, बोस्ट्रोफिडन, बी ओ यू एस टी आर ओ पी एच ई डी ओ एन, ठीक है। इस स्टाइल को जो पहले राइट टू लेफ्ट और पीछे फिर आके नीचे लेफ्ट टू राइट में लिखा जाता था, तो उसको बोला जाता था बोस्ट्रोफिडन, जो भी हमें स्क्रिप्ट इनके मिली थी, ठीक है जी। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको मैंने इसकी जो इम्पॉर्टेंट साइट्स थी, हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, ठीक है, तो ये सब बता दिए हैं। और कालीबंगन में हमको बोन्स ऑफ कैमल भी मिला था, लेकिन माना जाता था कि जो इनका जो इम्पॉर्टेंट जो फिगर है, जिसको जो एनिमल है वो काउ है, ठीक है, हॉर्स प्रेजेंट नहीं है, बट कालीबंगन में हमको कैमल के भी बोन्स मिले थे, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि हम उसके बाद क्या हुआ था कि जो आगे थे आपके आर्यंस, ठीक है जी। आर्यंस ने इन्वेड कब किया था इंडिया, आर्यंस ने इन्वेड किया था 1500 BC में इंडिया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। और प्रोबेबली माना जाता है कि आर्यंस कहाँ से आए थे, खाइबर पास से, ठीक है जी। खाइबर पास किधर है जी, हिंदू कुश माउंटेन्स में, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं कि जो आर्यंस थे वो हिंदू कुश माउंटेन्स में से आए थे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्यंस का कि 1500 BC में आए थे और कहाँ से आए थे जी, हिंदू कुश माउंटेन्स में से एंटर किए गए थे, ठीक है जी। जो आर्यंस थे उनकी सेटलमेंट कहाँ थी, ईस्टर्न अफगानिस्तान में उनकी सेटलमेंट थी, मॉडर्न पाकिस्तान में, पंजाब में, और काफ़ी पार्ट्स हैं जो वेस्टर्न यूपी के, उसमें उसकी सेटलमेंट थी। जो इंडिया था उसको पहले क्या बुलाया जाता था, उस टाइम पे इंडिया का नाम क्या होता था, इंडिया को बुलाया जाता था साप्ता सिंधवा। क्या बुलाया जाता था, साप्ता सिंधवा, ठीक है जी। क्यों साप्ता सिंधवा बुलाया जाता था, क्योंकि जो हमारी रिवर्स थी, जो मेन इम्पोर्टेंट रिवर्स थी वो थी आपकी सात, ठीक है जी, इंडस और उसकी पांच ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती नदी, ठीक है। ये सात नदियां थी जो इंडिया को पानी प्रोवाइड करती थी, इसलिए इंडिया को लैंड ऑफ सेवन सीज यानी कि साप्त सिंधवा कहा जाता था, ठीक है जी।
ये आर्यंस के टाइम की बात हो रही है। उसके बाद है कि ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर इंडस, ऋग्वेदा में जो नेम दिया गया था वो क्या था जी, सिंधु, क्या था जी, सिंधु, ठीक है जी। तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, मैं आपको सारे नाम बता देती हूँ रिवर्स के जो कि ऋग्वेदिक टाइम्स में बोले जाते थे, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है जी। अगर मैंने सिंधु का क्या है जी, इंडस, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका झेलम, तो झेलम का क्या है जी, झेलम का है आपका वितास्ता, क्या है, वितास्ता। उसके बाद आ गया जी चेनाब, चेनाब का क्या है आपका, अस्किनी, ठीक है जी। रावी का आ गया जी आपका पुरिशनी, ब्यास का आ गया जी आपका विपासा, ठीक है जी। उसके बाद विपासा तक हो गया, इंडस का सिंधु, झेलम का वितास्ता, चेनाब का अस्किनी, रावी का पुरिशनी, ब्यास का विपासा, सतलुज का सूतद्र, SUTUDRI, ठीक है जी। ये इनके ऋग्वेदिक टाइम्स के नाम हैं, ठीक है जी। गोमती का गुमल, GUMAL, ठीक है जी। तो ये हो गया। घग्गर का क्या था जी, घग्गर रिवर का था दृशादवती, क्या था जी, घग्गर रिवर का दृशा, DRISSHA दवती, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।